Dear friend, good morning. Myself, BKD sir, Vijay Kumar Dixit sir. मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा स्नवर सर्किट. स्नवर सर्किट बेसिकली इस्तेमाल होता है डीवी बाई डीटी सप्रेशन के लिए. पावर सर्किट को अगर हम इस सर्किट को देखें तो पावर सप्लाई है, स्विच है, एक इंडक्टर लगा है और ये SCR लगा है. SCR के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को हम लोगों ने लगाया है. ये RC सर्किट जो है वो स्नवर सर्किट कहलाता है. अगर हम देखें जब स्विच को हम ऑन करते हैं उस समय अगर हम थायरिस्टर को ऑन करें और स्नवर सर्किट ना लगा तो क्या होगा कि थायरिस्टर का जो स्प्रेड टाइम होता है वो अगर DV/DT से जो DV/DT हमारा है उससे अगर स्प्रेड टाइम ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में थायरिस्टर के अंदर ब्लैक स्पॉट हो जाएगा और थायरिस्टर हमारा बर्न हो जाएगा. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग RC सर्किट लगाते हैं. RC सर्किट सर्किट के अंदर जो DV/DT है, चेंज इन द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हो रहा है उसको सप्रेस करने का काम करता है. जब थायरिस्टर हमारा ऑन हो रहा होता है उस समय ये DV/DT वोल्टेज में चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इस समय ये जो कैपेसिटर है वो AC को पास होने देता है और DC को रोक देता है. इसलिए ये DV/DT जो वोल्टेज में चेंज हो रहा है इसको पास प्रोवाइड कर देता है और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है. जब थायरिस्टर हमारा ऑन होता है उस समय ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होता है. रेजिस्टेंस इसका पाथ जो करंट का होता है वो इस तरीके से हो जाता है. रेजिस्टेंस और उसके बाद थायरिस्टर इस कंडीशन में दो तरीके से करंट फ्लो कर रही होती है. एक तो सप्लाई के कारण थायरिस्टर में करंट और दूसरा इस कैपेसिटर के कारण इसमें करंट. तो ये रेजिस्टेंस जो है जो सीरीज में लगा है कैपेसिटर के वो यहां पर जो चेंज इन करंट हो रहा है जो डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर को उसकी करंट को लिमिट करने के काम आता है. हमको मालूम है कि जो LCR सर्किट होता है वो अंडर डैम्प सर्किट होता है. अंडर डैम्प सर्किट पे अगर कोई वोल्टेज फोर्स किया जाता है या हम फोर्स किया वोल्टेज या रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो है इसकी पीक को जो फोर्स वोल्टेज है उसकी पीक को रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को ये लिमिट करने का काम करता है. तो यहां पर यही हो रहा है कि ये जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हुए हैं ये DV/DT को सप्रेस कर रहे हैं. जब थायरिस्टर हमारा ऑफ होता है उस समय बहुत तेजी से रिवर्स रिकवरी करंट फ्लो करती है. ये रिवर्स रिकवरी करंट को भी सप्रेस करता है. ये रिवर्स रिकवरी करंट इस RC स्नवर सर्किट के अक्रॉस आ जाती है और यहां पर ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है. और जब थायरिस्टर ऑन होता है उस समय डिस्चार्ज होता है. इससे क्या हो रहा है तो रिवर्स रिकवरी के टाइम पर जो लॉसेस हो रहे थे जो एनर्जी का लॉस हो जा रहा है उसको भी ये कम कर देता है. जो स्नवर सर्किट को मैं आपको समझाया स्नवर सर्किट का और जगह भी इस्तेमाल होता है. जैसे AC यूटिलिटी पावर यूनिट्स जो होते हैं उसमें भी स्नवर सर्किट्स को लगाया जाता है. तो वहां पर यूटिलिटी बॉर्न ट्रांजिएंट को ये सप्रेस करने का काम करता है. इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी सेकेंडरी में भी स्नवर सर्किट्स को हम लोग लगाते हैं तो वो जो वहां पर इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांजिएंट को सप्रेस करने का काम करता है. तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो बेसिकली स्नवर सर्किट इज यूज फॉर DV/DT सप्रेशन. आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.